मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज मैं आप लोगों को एमबीए पास एक ऐसे पति पत्नी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि स्टेशन के बाहर पोहा और परांठा बेचते हैं। उनके जो पूरा मामला है ये सुन के आप काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे और भावुक भी हो जाएंगे कि ये सब चीजें कैसे हो गई। अगर एमबीए पास है तो उनको जॉब क्यों नहीं मिल पाई, चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर अश्विनी नाम की एक महिला जिसने एक्चुअली एमबीए की हुई है और उसी के साथ अपने पति के साथ वो वहां पर एक ठेला लगाती है। सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक वो पोहा और पराठे बेचते हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि एमबीए पास और ये ठेला वगैरह कैसे सब चीजें हो जाती है। आजकल कितनी भी ग्रेजुएशन कर ली जाए, कितनी भी पढ़ाई कर ली जाए, पर काफी बार ऐसी सब चीजें देखने के लिए मिलती है कि उन लोगों को अच्छी पोस्ट पे जॉब नहीं मिल पाती। जितना उन्होंने पढ़ाई के ऊपर खर्च किया है, जितना वो आगे निकले हैं, उनको उसके अकॉर्डिंगली जॉब नहीं मिलती है। पर हम आपको ये चीज बता दें कि जो एक्चुअली अश्विनी है, जो उनके पति हैं, वो एमबीए पास है, उनको अच्छी जॉब भी मिली हुई है। पर उनके घर में एक अम्मा काम करती है जो कि काफी ज्यादा बुजुर्ग है, जिनकी एज 55 है, और वो उनके घर में काम करके और भी घरों में काम करती है। वो उनको पोहा और परांठे बना के देती है और वो पोहा और परांठे लेके वो वहां पर ठेले पे बेचते हैं और जो पैसा, जो इनकम वहां से होती है, वो इनकम वो उसी अम्मा को देते हैं। वो अम्मा को इसलिए देते हैं क्योंकि उनके जो पति है वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं और वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं और उनका इलाज भी काफी ज्यादा कॉस्टली है, जिसकी वजह से ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसके कारण आजकल सोशल मीडिया पे इनकी फोटोज, इनकी पूरी जानकारी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग काफी ज्यादा इनको सराहा कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि ऐसे इंसान दुनिया में होने चाहिए कि दूसरों के लिए अपनी नींद वो इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई बंदा काम कर रहा है इतना ज्यादा और एमबीए पोस्ट पे है तो उनको सिस्टम के आगे बहुत ज्यादा बैठना पड़ता है, आंखें बहुत ज्यादा उनकी खराब हो जाती है, चश्मे लगाने पड़ते हैं, माइंड का बहुत ज्यादा काम होता है। इसके बाद भी वो थोड़े टाइम सोने के बाद फिर दोबारा से सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, रेडी होके वहां पर आती है और वहां पर भी ये वहां पर पोहा बेचते हैं, पराठे बेचते हैं, बर्तन धोते हैं, फिर उसके बाद वो जाके रेडी होके अपनी जॉब पे भी चले जाते हैं। तो गाइज ऐसे कपल को हम तो सैल्यूट करते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में अश्विनी के ऊपर एक कमेंट तो जरूर करते हुए जाइए कि उनका काम आपको कैसा लग रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।